तो बच्चों इकोनॉमिक्स के बच्चे ध्यान दीजिए, आज से इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो 12 के जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे थे, बहुत बच्चों का जो है कि फोन आया और बहुत बच्चे संपर्क किए कि सर इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट कीजिए, तो आज से इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट किया जा रहा है 12 के बच्चों के लिए। इकोनॉमिक्स ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स 12 के बच्चों के लिए है। तो उसका सिलेबस इस प्रकार से है, इकोनॉमिक्स का 100 मार्क्स का है इकोनॉमिक्स, जिसमें इकोनॉमिक्स दो भाग में बटा हुआ है। एक ही किताब है, एक ही सिलेबस है, एक ही बुक में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो जो है वह उसको छोटा कहते हैं, छोटा हिस्सा है, और मैक्रो बड़ा हिस्सा है। ये 50 मार्क्स का है, ये भी 50 मार्क्स का है, तो दोनों मिला के 100 मार्क्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स को व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। माइक्रो में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, जिसको परिचय बोलते हैं हिंदी में। इकोनॉमिक्स चैप्टर का जो है पूरा इकोनॉमिक्स विषय का परिचय इसमें बस पढ़ाया जाएगा, ये 4 मार्क्स का है। दूसरा चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ये 18 मार्क्स का है, इसको हिंदी बोलते हैं उपभोक्ता व्यवहार और मांग। तीसरा है प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई, इसको हिंदी बोलते हैं उत्पादन व्यवहार और पूर्ति, ये 18 मार्क्स का है। और चौथा है बाजार मार्केट, 10 मार्क्स का। तो इंट्रोडक्शन परिचय, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, उपभोक्ता व्यवहार और मांग, प्रोडक्शन बिहेवियर सप्लाई, उत्पादन व्यवहार पूर्ति और मार्केट, इस प्रकार से 4 मार्क्स इसका पहला चैप्टर का है, और दूसरा चैप्टर 18 मार्क्स का है, तीसरा चैप्टर 18 मार्क्स का है, और चौथा 10 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से 50 मार्क्स का रहता है, 18 18 36 और 4 40 10 50, तो 50 मार्क्स का ये पहला जो आपका माइक्रो है वो पढ़ना है। अब इसमें आपको देख सकते हैं कि जो पहला चैप्टर है वो 4 मार्क्स का है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चलता है, 18 मार्क्स का भी बजा रहे तो वो भी थोड़ा चैप्टर है। तो इस प्रकार से ये माइक्रो का सब्जेक्ट का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर्स हैं। अब हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर। बच्चों मैक्रो देखिए, मैक्रो जो बड़ा यानी कि 50 मार्क्स का जो है जिसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसमें 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, मतलब कि राष्ट्रीय आय और उसके समूचे, ये 15 मार्क्स का है। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार निर्धारण, ये 12 मार्क्स का है। तीसरा है मनी एंड बैंकिंग जो 8 मार्क्स का है, मुद्रा और बैंकिंग। चौथा है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, 8 मार्क्स का है। बैलेंस पेमेंट भुगतान शेष, ये 7 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से बच्चों 5 चैप्टर इसका हो गया व्यष्टि समष्टि का, और व्यष्टि का 4 चैप्टर यानी कि 9 चैप्टर कुल मिला के पढ़ना है। तो आपसे बच्चों को किताब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किताब जो हम आपको नोट्स बताएंगे सारा कुछ बताएंगे वही आपके परीक्षा के लिए काफी होगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के ग्रेजुएशन पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, हम गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क करेंगे, बहुत सारी किताब हम आपको नाम लिख देंगे, आप पढ़ते रहिएगा। लेकिन अगर 12 की जहाँ तक सवाल है, 12 में आपको कोई किताब और नहीं लेना है, 12 आपको हमारा नोट से ही काफ़ी होगा। और आपसे बच्चों को जानकर खुशी होगी कि बच्चा जो है कि 80 मार्क्स लाया है इकोनॉमिक्स में, हम उसका जो है कि नाम लिख लिए हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो सभी को सार्वजनिक भी करेंगे, यूट्यूब में भी दिखाएंगे सब लोग को कि यहाँ से बच्चा प्राप्त 80 मार्क्स प्राप्त किया है और इंग्लिश में 82 प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से जो भी सिलेबस में हम पढ़ाएंगे आपको वही आपका इकोनॉमिक्स में काफी हो जाएगा। तो
तो ये रहा सिलेबस, आप लोग अपने कॉपी में सिलेबस लिख लेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यही 9 चैप्टर पढ़ना है, और इस 9 चैप्टर का जो वीडियो जाएगा आप लोग उस चैनल को जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बच्चों ध्यान रहे कि इसी लिंक पर, इस जो आपका यूट्यूब का लिंक है, इसी लिंक पर जो है फर्स्ट ईयर का भी क्लास जाएगा, 12 का इकोनॉमिक्स का भी क्लास जाएगा, और 12 का इंग्लिश का भी क्लास जाएगा। तो आप लोग का लिंक जो है कि चैनल सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो पता चल जाएगा कि क्लास आया है। तो आपसे बच्चे हम समझते हैं कि इसको लिख लिए होंगे। बच्चों एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो जो क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो क्वेश्चन 2 खंड में बटा होगा, एक ही क्वेश्चन में 2 खंड में क्वेश्चन होगा, खंड अ और ऐसा ही खंड ब रहेगा। खंड अ जो है उसमें व्यष्टि का यानी कि माइक्रो का क्वेश्चन रहेगा, खंड ब उसमें समष्टि का यानी कि मैक्रो का क्वेश्चन रहेगा। तो 5 क्वेश्चन जो है वह वेरी शॉर्ट, एक नंबरिया जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो जो बच्चे साइंस और आर्ट्स कॉमर्स के हैं उनको ऑप्शनल रहेगा कि ये ऑप्शन है, इसमें सब टिक लगाइए। और जो बच्चे आर्ट्स के हैं वो ऑप्शन नहीं रहेगा, उसमें आपको सीधे आंसर लिखना है। जैसे कि उदाहरण आपको सुनाते हैं, क्वेश्चन जैसे पूछ दिया कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ऑप्शन रहेगा एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, जेम केन्स, ऐसा, तो उसमें आपको टिक लगाना है कौन रहेगा। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को रहेगा कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, आप सीधे उसका आंसर लिखिए। फिर 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, और 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल हम जब देखते हैं तो ये जो है 50 का हो जाता है। खंड ब में भी जो समष्टि का यानी कि समस्या शास्त्र का जो क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार से रहेगा, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो एक नंबरिया 10 गो रहेगा, उसके बाद आपका जो है 3 मार्क्स का जो है वो भी 10 गो रहेगा, 4 मार्क्स का जो है वो 6 गो रहेगा, और 6 मार्क्स का भी 6 गो रहेगा टोटल में, और खंड में जाएंगे तो इस प्रकार से रहेगा। तो ये आप लोग का जो है मार्किंग है जो एग्जाम में आएगा, मतलब कि खंड और खंड ब करके एग्जाम में आएगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका सिलेबस का सारा कुछ मार्किंग हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहला चैप्टर परिचय शुरू करूँगा। तो पहला चैप्टर जो परिचय है वो 4 मार्क्स का है। तो वह जो प्रत्येक चैप्टर को मैं जैसे इंग्लिश में आपको पढ़ाते गया हूँ, अलग अलग वीडियो में देखिएगा कि एक दिन कहानी समझाया हूँ तो दूसरे दिन वर्ड मीनिंग है, तीसरे दिन जो है क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन का फिर चौथे दिन आपका जो है कि एक वीडियो में कहानी समरी है, दूसरा वीडियो में जो है कि लाइन बाय लाइन है, तीसरा वीडियो में जो है क्वेश्चन आंसर दिया गया है, चौथा वीडियो में क्वेश्चन का हिंदी समझाया गया है, इस प्रकार से मैं किया। तो वैसा ही कुछ इकोनॉमिक्स में भी रहेगा कि पहले मैं चैप्टर का डिटेल समझाऊंगा, और समझाने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा। तो क्वेश्चन आंसर जो है समझाने के बाद वो चला जाएगा आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एक वीडियो में बनाया हुआ होगा उसमें देखिएगा ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कैसे प्राप्त करें, उसको आप देखिए उस वीडियो को। तो उसी में जो है उसी तरीके से हर एक वीडियो का क्वेश्चन, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर रहेगा।
और क्वेश्चन आंसर को फिर मैं समझाते जाऊंगा। आप लोग पहले नोट्स उतार लीजिएगा, और नोट्स उतारने के बाद फिर हम समझा देंगे कि एक क्वेश्चन ये कहता है, एक क्वेश्चन ये कहता है। तो ये अलग अलग वीडियो में जाएगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर नहीं होगा जैसा कि इंग्लिश में है। इसमें जो भी है लॉन्ग में 6 मार्क्स का रहेगा और शॉर्ट में 1 मार्क्स का रहेगा। बाकी जो वेरी शॉर्ट है वेरी लॉन्ग है वो आपका जो है कि 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का रहेगा। तो ये सिलसिला चलेगा, यानी कि हम आपको जो पढ़ाएंगे वो ऐसा रहेगा। आपका 6 मार्क्स का भी बताएंगे क्वेश्चन आंसर, 3 मार्क्स का भी बताएंगे, 4 मार्क्स का भी बताएंगे, और 1 मार्क्स का भी यानी कि ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वो जीके किस्म का होता है। अगर आप को नहीं बताए मान के चलिए, क्योंकि सब तो 6 मार्क्स वाला 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में रहेगा ही, उसको नहीं बताने से चलेगा। लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो क्या होगा कि आपको अलग से फिर छाट करके 1 मार्क्स का लिखना पड़ेगा उसी में से। लेकिन अगर हम उसको बता देते हैं तो क्या होगा कि दिमाग में आपका सेट रहेगा कि आपको लगे कि हाँ सर तो बताए थे, ये लोग सब उस दिन बताए थे, उसका आंसर ये होगा। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज मैं इतना ही बताऊँगा इकोनॉमिक्स में। कल से इकोनॉमिक्स चैप्टर का पहला चैप्टर जो है, इकोनॉमिक्स बुक का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, कल से मैं बताऊँगा। धन्यवाद।